Welcome to study session. Today we are going to study about our second chapter, that is acid, bases and salts, second part, in which we are going to talk about अब हम थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो होता है एसिड और बेस का एक दोनों के साथ, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। सिंपल, ये हो गया हमारे पास एसिड प्लस बेस, ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट, और क्या रिलीज करेंगे, वाटर। सिंपल, ठीक है। और इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, एचसीएल हमने ले लिया एसिड, एनएओएच ले लिया हमने बेस, और इसमें क्या बना दिया मिलके, यहां से एनएसीएल आपस में कंबाइन हो जाता है और यहां पे क्या होता है, H2O रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहां पे OH और H ये आपस में कंबाइन हो जाता है, क्या रिलीज कर देता है, H2O। NaCl हो गया हमारे पास सॉल्ट, और यहां क्या रिलीज हो गया, H2O। इट इन्वॉल्व्स द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू जनरेट वाटर। जो हमारे पास ये है, ये H पॉजिटिव आयन, ये है हमारे पास OH नेगेटिव साइन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। और यहां पे Na बच गया और Cl बच गया, ये मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वो कैसा है, रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन किसके साथ, मेटेलिक ऑक्साइड। पहले किसका बताएंगे, एसिड विथ एसिड। इसमें क्या होता है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, सबसे पहले समझते हैं मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के। कैसे नेचर के, बेसिक नेचर के होंगे मेटेलिक ऑक्साइड। सिंपल, कोई भी मेटल ले लो, हम जैसे लेते हैं कैल्शियम लेते हैं, उसमें ओ लगा लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मेटेलिक ऑक्साइड। और नेक्स्ट लेते हैं इसका एग्जाम्पल, MgO ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गई ऑक्साइड। ये कैसे होता है, नेचर इनका बेसिक होता है। अब जब हम बेसिक का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें हमारे पास क्या बनना है, वाटर और सॉल्ट बनना है। पीछे ही पढ़ा हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, सिंपल उसी तरीके से होगा ये, जिसमें कि क्या होगा, हमारे पास एसिड ले लेंगे, एसिड के साथ क्या मिला देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड मिला देंगे, जो क्या बनाता है जी, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बना देगा। इसका एग्जांपल एसिड का हम ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, टू ऑफ HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या बना दिया उसने, कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज सॉल्ट, और क्या बना दिया जी, वाटर बना दिया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन किसका लेंगे, यहां पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक, किसका, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, इसके साथ बेस के साथ कराते हैं, ऑक्साइड विथ बेस, बेस के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया है। अब क्या करें हम, इसमें नॉन मेटेलिक कैसे होते हैं, ये होते हैं जी एसिडिक नेचर के। कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक। जैसे इसमें क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जो हमने पीछे भी रिएक्शन कराया था। अब देखिए, बेस ले लिया हमने यहां पर प्लस नॉन मेटेलिक ले लिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया तो क्या बनाया इसने, इसने भी सॉल्ट, क्योंकि ये एसिडिक है और रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, बेस के साथ, तो ये भी कैसा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें भी क्या मिलेगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस H2O मिल जाएगा। अब ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं, CaOH2 प्लस CO2 गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज सॉल्ट एंड वॉटर, दैट इज H2O। अब हम लास्ट रिएक्शन देखेंगे, एसिड्स एंड बेसिस इन वॉटर सॉल्यूशन, कि वॉटर सॉल्यूशन में उसका क्या होता है। पहले हम किसकी बात करेंगे, एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड में क्या होता है, H प्लस आपको पता है एसिड के पास होता है, और दूसरा लेते हैं हम किस बेस का, बाद में लेंगे हम, H पॉजिटिव होता है, किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं हम, क्या बनाता है ये, H3O पॉजिटिव। H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस
प्लस सीएल नेगेटिव। जो एच पॉजिटिव होता है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, तो क्या बना देता है वो हाइड्रोनियम आयन, क्या बना देता है वो ये वाले हाइड्रोनियम आयन बना देगा। तो क्या करेंगे, अगर हमने एसिड लिया दैट इज एचसीएल, वॉटर के साथ इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या बनाया इसने हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे हम, बेसिस की बात करेंगे। बेसिस जैसे हम कहते हैं बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वॉटर गिव्स ओएच आयन, क्या कौन से आयन देते हैं वो ओएच आयन देते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिक्स कर दिया हमने, वो वाटर के साथ मिक्स कर दिया, वाटर में डाल दिया, तो क्या बना दिया उसने Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो उसने क्या दिया OH नेगेटिव दिया। एंड में हम समराइज कर देते हैं, हमने क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहले हमने किसके साथ पढ़ी, मेटल के साथ पढ़ी, किसकी एसिड और बेस की, फिर किसके साथ पढ़ी मेटल कार्बोनेट के साथ पढ़ी, फिर प्रॉपर्टीज की, फिर पढ़ी हमने किसके साथ मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ी प्रॉपर्टी एसिड एंड बेसिस की, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ी, फाइव प्रॉपर्टीज पढ़ी जो कि आपको ब्रीफली पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो सबसे यूनिवर्स में यूज होता है, जो फेमस इंडिकेटर है उसको बोलते हैं पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शो डिफरेंट कलर्स एट अ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, इसके बेसिस पे क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये हम पीएच स्केल ले लेते हैं, हमारे पास इस तरह से होता है पीएच स्केल। क्या बताता है, पहले पीएच, पी का मतलब पावर, एच का मतलब एच पॉजिटिव आयन्स, ठीक है। अभी होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से होता है ये, ठीक है। अब इसकी हम बात करेंगे, 7 क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल जैसे कि वाटर होता है हमारे पास, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बिल्कुल बीच में, ना ये एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है, ये न्यूट्रल होता है बिल्कुल। और जो 0 से 6 तक होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर, हाइड्रोनियम आयन क्या होगा इसका ज्यादा होगा, एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा। अब क्या होगा दूसरी, 8 से 14 क्या होते हैं, सारे बेस हो गए, और जो यहां पे क्या होता है एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, डिक्रीजिंग इन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन एंड देयर इज अ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। इस तरफ को इंक्रीज होती है H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन और इस तरफ को क्या होती है, डिक्रीज होती है H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, इस तरफ को इंक्रीज। अब क्या हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की इन एवरीडे लाइफ, अपनी आर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8, बॉडी का क्या होना चाहिए पीएच कितना होना चाहिए 7 to 7.8, कितना होना चाहिए बॉडी का पीएच लेवल होना चाहिए तभी वो वर्क करेगी। पीएच लेस देन 5.6 एसिडिक, अगर वो 5.6 से 5 से अगर यहां से जैसे अगर कम हो रही है हमारे क्या रेन का, जो हमने पीएच चेक किया तो वो 5.6 आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो कैसी रेन है, एसिडिक रेन है, एसिड वाली रेन हुई है। आज स्टमक प्रोड्यूस एचसीएल, स्टमक भी प्रोड्यूस करती है एचसीएल और टूथ डीके भी होता है, अगर क्या हो पीएच किससे हो 5.5 से लेस हो तो क्या होता है टूथ डीके भी हो जाता है, दांत खराब उन्हें हो जाते हैं। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स के पास भी क्या होता है एसिड प्रेजेंट होता है, किस लिए सेल्फ डिफेंस के लिए। ये क्या होगी इसकी इंपॉर्टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज कवर्ड इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।